गाइस तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेल रहे हैं रोब्लॉक्स। और गाइस आज हम लोग रोब्लॉक्स में खेल रहे हैं एयरपोर्ट टाइकून, जिसमें गाइस आज हम लोग अपना खुद का एयरपोर्ट बिल्ड करने वाले हैं। अरे बन्ना, मैंने तो बिल्ड अप स्टार्ट भी कर दिया है। क्या बात कर रहे भैया, देख लेना तेरे से पहले मेरा अच्छा से एयरपोर्ट बन जाएगा। हाँ भैया देख लेंगे। चलो भैया कुछ तो बिल्ड करो पहले। बिल्ड की क्या बात करता है, ड्रॉपर्स लगा दिए मैंने। तो भैया अपने ड्रॉपर लगा भी दिया, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गए। चलो भैया मैंने भी लगा दिया। अरे ये क्यों, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ड्रॉपर देखने को मिल रहा है गाइस, जिसमें हम लोग को साथ में असिस्टेंट भी मिल रहा है। हेलो मैडम जी, ये दूसरा ड्रॉपर कितना का है? ए भैया दिख नहीं रहा क्या? ओए हाँ दिख रहा है, चल ठीक है तू पहले बोल दे। अरे भैया बोलूंगा तो ही ना। चलो भैया अब जल्दी से अपना खुद का बड़ा सा एयरपोर्ट बनाऊंगा, उसके बाद भैया एयरपोर्ट तो जब एकदम मस्त प्लेन वगैरह भी लाऊंगा। ओए मुन्ना तू किसे बता रहा है, मेरे एयरपोर्ट में भी प्लेन होगा, पैसेंजर आएंगे और मुन्ना टिकट के पैसे मिलेंगे। हाँ भैया तो मेरे एयरपोर्ट में भी वही होगा, मेरे एयरपोर्ट में भैया कुछ दूसरा थोड़ी होगा। हो भी सकता है क्योंकि तेरा एयरपोर्ट फ्लॉप हो जाएगा तो मुन्ना क्या ही करेगा। भैया यार आप मेरा जो मजाक उड़ा रहे ना, देख लेना भैया मेरा ही सबसे बेस्ट एयरपोर्ट होगा। हाँ ठीक है देख लेना, सबसे पहले प्लेन में ही तेरे एयरपोर्ट पे लैंड कराऊंगा। भैया देख लेना, सबसे पहले भैया प्लेन तो मैं ही लेके आऊंगा और भैया आपको लेके जाऊंगा। चल चल मुन्ना एयरपोर्ट बनाने में ध्यान दे ले। हाँ भैया वो तो मैं दे ही रहा हूँ। चलो गाइस हम लोगों ने अपनी बाहर की वॉल्स लगा ली है एयरपोर्ट की, और गाइस ये रहा हमारे एयरपोर्ट का साइन। और चलो गाइस अब थोड़ा सा कुछ ड्रॉपर्स भी लगा लेते हैं। ओए हाँ लगा ले, कोई फायदा नहीं क्योंकि तेरा भाई अपन तो उससे बहुत आगे है। आगे थे भैया लेकिन अब नहीं रहेंगे क्योंकि भैया मैंने बाय कर लिया 1 मिलियन भैया रुपीज। ओए क्या बात कर रहा है, 1 मिलियन करेंसी बाय कर ली। हाँ भैया अब मैं जल्दी जल्दी बिल्डअप कर सकता हूँ। लेकिन तूने बाय क्यों किया? अरे भैया ड्रॉपर से काफी कम पैसे मिल रहे थे तो इसीलिए भैया सोचा कि थोड़ा सा प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए कुछ भैया पैसे लगा ही देते हैं। ओए तूने रोबक्स खर्चे किए? हाँ भैया आप भी कर रहे हो? नहीं मुन्ना मैं अपनी मेहनत से करूंगा। भैया देखो ऐसा है, यहाँ पे भैया 4 लोग एयरपोर्ट बिल्ड कर रहे हैं। वो चार लोग कहाँ पे हैं 4 लोग? अरे भैया अलग अलग आइलैंड पे 4 एयरपोर्ट बिल्ड हो रहे हैं, आपको मिला के और मुझे मिला के। ओए तो उससे क्या भैया, तो वो लोग से भैया कॉम्पिटिशन भी तो हम लोग का बढ़ेगा ना। भैया 4 एयरपोर्ट में भैया पैसेंजर किधर जाएंगे, जिधर भैया ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज रहेंगी। ओए हाँ और जिसका जल्दी बनेगा भी, और मुन्ना जिसका लुकिंग भी अच्छा दिखेगा। हाँ भैया अच्छा कब दिखेगा, जब भैया उसमें पैसे जल्दी लगाना शुरू करोगे और भैया उसको जल्दी से बिल्ड करोगे और भैया उससे और भी जितने पैसे आएंगे भैया उसी एयरपोर्ट में लगाना। ओए हाँ हाँ आइडिया तो सही है मुन्ना, ठीक है तू लगा, मैं मेहनत करता हूँ। भैया मतलब आपका मूड नहीं चेंज हुआ? ओए नहीं क्यों चेंज होगा, मेहनत करके बनाऊंगा। ठीक है भैया बनाओ। चलो मैं ही कम से कम भैया एयरपोर्ट में कुछ अपनी प्रोग्रेस कर लेता हूँ अगर मेरे पास $1 मिलियन आ चुके तो। ओए ठीक है कर ले, लेकर मुन्ना मुझसे तेज नहीं कर पाएगा। ए भैया क्या बात करे, मेरा तो एयरपोर्ट भैया बन भी चुका है। वो बन गया, प्लेन उड़ा गया? अरे नहीं भैया अभी प्लेन नहीं है। ओए तो मुन्ना किस चीज का एयरपोर्ट, जब तक एयरपोर्ट में प्लेन नहीं है तो मुन्ना कोई एयरपोर्ट नहीं, पैसेंजर आके वहाँ पे क्या करेंगे, मूंगफली खाएंगे क्या? अरे नहीं भैया वो बात नहीं है। ठीक है भैया मैं प्लेन भी आपको लेके दिखा दूंगा। ओए चल चल जब ले लिया तब बताइयो। ओए भैया कभी ड्रॉप पिकअप कर लिया? ठीक है भैया मैं आपको लेने जरूर आऊंगा। ओए हाँ हाँ ठीक है, सपनों में जरूर आ जाइयो। 1 मिलियन करेंसी से तू एयरपोर्ट बिल्ड करेगा कि प्लेन लेगा? भैया हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि भैया उस 1 मिलियन करेंसी से भैया मैंने और भी ड्रॉपर्स लगा दिए। ओए अब कौन से ड्रॉपर्स बचे, अब तो ड्रॉपर्स नहीं बचे। ओए भैया आप ऊपर का फ्लोर बिल्ड तो करो, तभी तो भैया आपको ड्रॉपर्स मिलेंगे। ओए तो ऊपर का फ्लोर तो पहुंच गया क्या? हाँ भैया अब 1 मिलियन करेंसी है तो भैया यार जल्दी जल्दी तो बिल्ड करना पड़ेगा ना। क्या हुआ भैया? ओए कुछ नहीं बिल्ड कर ले, लेकिन भैया से तेज नहीं हो सकता क्योंकि मुन्ना मेरी भी करेंसी तेजी से आ ही रही है। ओए तो भैया आपको ड्रॉपर्स दे रहे हैं क्या करेंसी? हाँ दे रहे तो क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है भैया। भैया लगे रहो। लगे तो है यू, तेरे जैसा नूब तोड़ी हो। भैया मैं नूब भैया किस प्रकार से हो गया? भाई बिना मेहनत के मुन्ना पता नहीं एयरपोर्ट बिल्ड करते जा रहा है।
ए यार भैया, मैंने मेहनत किया भैया, बस वही शुरुआत पे थोड़े पैसे लगाए, और भैया उन्हीं थोड़े पैसों में मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ, वो भी भैया जब किसी के पास एयरपोर्ट नहीं होगा, मेरे पास एयरपोर्ट होगा, भैया कितने सारे पैसेंजर आएंगे। ओए हाँ, तू शुरुआत में एडवांटेज उठा सकता है लेकिन बाद में नहीं। ए भैया, बाद में उठाऊंगा, शुरुआत में उठाऊंगा, क्योंकि भैया बाद में तो भैया मेरा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन जाएगा, क्योंकि भैया मेरे पास उस टाइम तक बहुत पैसे हो जाएंगे। ओए देख लेंगे। हाँ भैया, जरूर देख लेंगे। चलो गाइस, हम लोग का बर्गर शॉप भी खुल गया और डोनट शॉप भी हम लोगों ने खोल लिया। अब इधर थोड़ा सा पैसेंजर के लिए बैठने का बना देते हैं, इधर का भी हो गया। अब चलो गाइस, थोड़ा सा नीचे का एरिया देखते हैं। अब इधर तो भी पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, क्या बात है। ए भैया, आपको पता है ड्रॉप पर्स भी मेरे बहुत तेजी से पैसे कलेक्ट हो रहे हैं। और तो करना बता किसे रहा है। ए भैया, मैं तो बस ऐसे ही आपको बता ही रहा था। ए चलो ठीक है, नहीं बताऊंगा। चलो गाइस, अब थोड़ा सा अपना पार्किंग लॉट बिल्ड किया जाए। ओए पार्किंग लॉट। हाँ भैया, अपना खुद की पार्किंग होगी भैया, खुद की गाड़ियां भी होंगी। हे ये देखो भैया, मेरी खुद की गाड़ियां भी आ गई। ओए बहुत हो गया, ज्यादा नहीं बोल रहा क्या तू। अरे भैया, आप मेहनत पे ध्यान दो ना यार। हे ओए हाँ, वो तो करूंगा ही। हे भैया, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, बिना मेहनत के भैया आजकल कुछ है भी नहीं। ओए तो करना बता किस रहा है। हाँ भैया, वो तो कर ही रहा हूँ। हे क्या हो गया भैया, आपको कुछ दिक्कत है क्या। मुझे कौन सी दिक्कत होगी, तू मन्ना तेरा एयरपोर्ट है, तू बना रहा है, मुझे भला कौन सी दिक्कत होगी। हाँ भैया, अच्छी बात है। भैया आपको पता है, मैंने भैया अपने एयरपोर्ट में भैया फर्स्ट क्लास के लिए भी रूम बना लिया। ओए फर्स्ट क्लास के लिए रूम। हाँ भैया, जो VIP पैसेंजर है ना, तो भैया उनके लिए मैंने अलग से रूम बनाया है भैया, उसमें और ज्यादा पैसे मिलते हैं। ओए पैसे पैसे पैसे, दिमाग खराब कर दिया, बहुत हो गया, अभी तू मुन्ना मेरा ग्रोसअप देखेगा। ए भैया, ग्रोथ सब नहीं होता वो भैया, प्रोग्रेस होता है। ओए प्रोग्रेस होता है, ये कब हो गया। ए भैया, आपको पता भी नहीं है। ओए चल मजाक मत उड़ा, मेरा भी प्रोग्रेस बहुत तेजी से होगा। ठीक है ठीक है भैया, आप प्रोग्रेस करो, मैं भी भैया प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तो भैया दोनों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ओए ठीक है, तू प्रोग्रेस कर, बाद में मैं भी तेरे साथ कोलैब वगैरह कर लूंगा। ओए कोलैब, लेकिन भैया किस चीज का कोलैब। ओए मतलब कि जो भी इंटरनेशनल के पैसेंजर होगे मैं तेरी तरफ भेज दूंगा। हाँ भैया, आइडिया तो अच्छा है। चलो भैया, जो मेरे पास भी भैया फ्लाइट वगैरह जैसे नहीं रहेगी, तो जो भी पैसेंजर बचे रहेंगे तो भैया मैं आपकी तरफ भेज दूंगा। ओए हाँ हाँ ठीक है, फ्लाइट तो मुन्ना मैं रख ही लूंगा। ओए मुन्ना, जरूरत पड़े तो मुझे भी एक दो फ्लाइट दे दिया। ठीक है भैया, ले लेना। भैया आखिरकार आप भाई तो मेरे है ना। ओए हाँ हाँ, उसमें तो मुन्ना कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चल मुन्ना, मैं तेरा एयरपोर्ट घूमने बहुत जल्दी आऊंगा। हाँ ठीक है भैया, आइएगा। बाकी भैया मैं आपको खुद ही पिकअप करने आ जाऊंगा। और ठीक है मुन्ना, मस्त प्लेन लेके आइयो। ठीक है भैया, एकदम प्राइवेट वाला लेके आऊंगा। आइए हुई ना बात, मुन्ना एयरपोर्ट मुझे भी तेरा देखना है। हाँ भैया, आराम से देखना। थोड़ा सा भैया मैं प्रोग्रेस कर लूँ, उसके बाद मैं खुद ही भैया आपके एयरपोर्ट आता हूँ और आपको पिक करके जाता हूँ। ओए बिल्कुल, और थोड़ी सी मेरी भी मदद करियो एयरपोर्ट बनाने में। हाँ भैया, एक बार मेरा बन जाए ना, तो भैया मैं आपको क्या भैया, आप हम दोनों एक साथ में काम करेंगे। ओए हाँ हाँ, ये भी आइडिया सही है। ठीक है, वैसे बना तेरी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची। ए भैया, मैंने कंट्रोल रूम बना लिया है, और भैया बिजनेस क्लास के लिए भी फ्लाइट वगैरह अब देख रहा हूँ। अब थोड़ा सा गाइस, हम लोग प्लेन्स वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि गाइस एक मिनट में ना प्लेन्स बनाएगा। अरे मतलब भैया मैं खरीदूंगा यार, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। ओए वही तो मैं कहाँ, तू इंजीनियर कहाँ से बन गया एयरपोर्ट बनाने वाला। हाँ भैया वही यार, प्लेन्स मतलब भैया वही खरीदूंगा। चलो गाइस, अब हम लोग का ये आ चुका है गाइस फर्स्ट प्लेन। ए भैया, मेरे पास दो प्लेन हो चुके हैं, एक भैया पैसेंजर वाला और एक भैया ऐसे ही प्राइवेट वाला। वो तेरे पास प्राइवेट जेट आ चुका है। अरे नहीं भैया, प्राइवेट जेट नहीं, वो भैया प्राइवेट प्लेन दो लोगों वाला। ओए अच्छा, वो वाला है और पैसेंजर वाला भी है। हाँ भैया वही प्राइवेट भैया, मैं बहुत जल्दी खरीदूंगा। अरे अरे ये क्या यार, ये तो पलट गया। अरे क्या हुआ, उड़ा तो नहीं बन रहा क्या। अरे भैया ये पगला गया मेरा प्लेन। ओए पगला गया मतलब क्या तेरा। अरे भैया गोल गोल चक्कर घुमा दिया मुझे। ओए उतर ले प्लेन से, नहीं तो कहीं क्रैश ना हो जाए। ओए ए भैया, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं खुद ही कूद लूंगा, अभी तो भैया मैं सिर्फ बैलेंस करना सीख रहा हूँ। लेकिन पता नहीं, ये लगता है प्लेन ही खराब है। चलो गाइस कूदते हैं नीचे, क्योंकि ये प्लेन हो चुका है खराब। है भैया मैं अभी बहुत जल्दी आपके हेलमेट पे आ रहा हूँ। ओए हाँ हाँ ठीक है, आराम से आइया। चलो भैया, अब मैं अपना प्राइवेट वाला प्लेन लेके आ रहा हूँ, दो लोगों वाला। ओए जब ना जा, मुझे भी तेरे एयरपोर्ट चलना है। ओए मुन्ना, तू ये बता प्राइवेट जेट कब खरीद रहा है।
भैया प्राइवेट जेट की आपने बात ही कर दी है। चलो भैया आपको लेके आता हूँ, फिर भैया उसको भी खरीद लूंगा। आजा यही है भैया, आपका एयरपोर्ट है भैया। अभी आपने इतना अच्छा काम भी नहीं किया, मैंने क्या बताऊं, ये ड्रॉपर से पैसे बहुत जल्दी नहीं मिल रहे हैं। तूने 1 मिलियन बाई कर लिया तो वही तेरे लिए फायदेमंद है। हाँ भैया ये तो है भैया, मैंने आपसे बोला था। मैंने चल चल पहले अपना एयरपोर्ट दिखा जल्दी से। हाँ हाँ भैया क्यों नहीं यार, जल्दी से बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठ गया। चलिए भैया, अरे बैठो ना भैया, सीट नहीं मिल रही, मुन्ना बैठ गया, अब चल जल्दी से। चलो भैया अब उड़ान भरने के लिए अब तैयार हो। बिल्कुल सीट बेल्ट के साथ भी। तो चलो भैया अब मैं आपके अपने खुद के ओन आइलैंड में ले चलता हूँ। मजा आएगा भैया, आराम से बैठिएगा। ओए हाँ तू आराम से प्लेन चलाइएगा तो मैं आराम से बैठिएगा। ठीक है भैया मैं आराम से चलाऊंगा। भैया मजाक कर रहा था। ओए हाँ ठीक है, मुझे तुझ पर भरोसा है, मुन्ना टेंशन क्यों ले रहा है। चलो भैया अब हम लोग का आइलैंड आ चुका है। ओए तेरी एयरपोर्ट है कि क्या ये? अरे भैया एयरपोर्ट है, अभी भैया कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। ओए ये क्या तेरा प्लेन पगला गया? अरे भैया वो इसी तरह से पगला जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है इसकी तो। ओए जान दे चल मुन्ना हो गया। हाँ भैया चलो अब मैं आपको अपना एयरपोर्ट दिखाता हूँ। ओए देख रहे हो तो क्या ही मस्त लग रहा है। हाँ भैया मस्त लग रहा है ना, अभी भैया बहुत काम बाकी है। ओए अबे कितना काम बाकी है मुन्ना, इंटीरियर तो तूने सारा बिल्ड ही कर दिया। इधर आ जाओ भैया, ये रहा भैया फर्स्ट क्लास भैया पैसेंजर्स की भैया सीटें, और यही पे मुन्ना वेटिंग एरिया है उन लोग का। हाँ भैया ये उन लोग का वेटिंग एरिया है, और भैया बाकी के पैसेंजर्स बाहर बैठते हैं, और भैया ऊपर भी मैंने पूरा एरिया बना के रखा है। ओए चल मैं उसको देख के आ जाऊंगा। मुन्ना प्राइवेट प्लेन बाई कर ले, कब करेगा? चलो भैया आपने बात करी दी है तो चलो भैया मैं प्राइवेट प्लेन बाई कर लेता हूँ। ये रहे थोड़े पैसे और मिल गए, चलो भैया अब तो खरीद लूंगा। ओए मैं आ रहा हूँ। मैं समझ कुछ भी हो, एयरपोर्ट तूने एकदम फैंटास्टिक बनाया है। ए भैया मैं क्या ही बोलूं, भैया हम लोग दोनों साथ मिलके बिजनेस करेंगे ना, तब तो भैया हम लोग का एयरपोर्ट मस्त चलेगा। ओए हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। चल मुन्ना किधर है तेरा प्राइवेट प्लेन? अरे भैया अभी खरीदे नहीं है, खरीदने जा रहा हूँ। ओए जल्दी खरीद मुन्ना, मुझे बैठना है। चलो भैया अभी ये हो चुका है परचेस्ड, और भैया ये आ गया अपना प्राइवेट प्लेन। ओए ये क्या कलर मुन्ना बेकार लग रहा है। कोई बात नहीं भैया चेंज कर देंगे। चलो भैया येलो तो सही है ना? ओए एकदम बीस्ट कलर है, मस्त लग रहा है। दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुन्ना तेरा प्राइवेट है? हां भैया प्राइवेट ही है। चलो भैया बैठ गए। ओए फुल टू बैठ गया हूं, चल मुन्ना उड़ा ले फिर। चलो फिर भैया भरते हैं अपनी प्राइवेट प्लेन की उड़ान और कहीं घूम के आते हैं। ओए मजा ही आ जाएगा। और दोस्तों चलो आप तब तक लिए वीडियो को लाइक कर दो, मैं होगी कहीं से घूम के आते हैं, और तब तक ले सभी को बाय बाय। हाँ गाइस सभी को टिल देन टेक केयर, बाय बाय।